बार बार अपनी मां के कई को धिक्कार है। बंधुओं, एक गलती, एक छोटी सी गलती व्यक्ति को जीवन भर पछताने पे मजबूर कर देती है। एक छोटा सा अपराध के कई ने क्या किया कि तब से लेकर के अब तक आपको माताओं का नाम कौशल्या तो मिलेगा, सुमित्रा तो मिलेगा, लेकिन किसी माता बहन का नाम आपको केकई नहीं मिलेगा। बोलो जय सियाराम। अब मंत्रा बढ़िया सज धज करके आ रही है। मंत्रा ने सोचा कि देखो, मैंने इतना बड़ा काम किया है, राम की जगह भरत को राजगद्दी दिलाई है, तो भरत मुझे इनाम देगा। बढ़िया सज धज के आई और शत्रुघ्न ने देखा कि यही है कुल का नाश करने वाली, पटक दिया उठा के नीचे, मारने लगे। भरत जी बोले, भैया शत्रुघ्न, इसका कोई दोष नहीं है, अगर सिक्का अपना ही खोटा नहीं हो तो ये मंथरा क्या कर लेते। चलो चलो, मुझे मेरी मैया कौशल्या के पास में ले चल भैया, क्योंकि मैं अगर दोषी हूं तो कौशल्या मैया का दोषी। आज मेरे कारण कौशल्या का बेटा कौशल्या को छोड़ के चला गया। दोनों भैया गए और भरत जी दूर से ही माता के चरणों में गिर पड़े। बरबस कौशल्या मैया ने गोदी में उठाया, बिठाया भरत को और कहने लगे, मां जे अघ मात पिता सुत मारे गाई गोठ मही सुरपुर जारे। मां, अगर मैंने इस कुलटा के कई से कभी कहा हो कि मुझे अयोध्या की गद्दी चाहिए, तो माता पिता को मारने से जो पाप लगता हो वो पाप मुझे लग जाए। ब्राह्मणों को और गौओं को मारने का जो पाप हो वो पाप मुझे लगे, अगर मैंने कभी कुलटा के कई से कहा हो कि मुझे अयोध्या की गद्दी चाहिए। मां, और मैं तुझसे क्या कहूं, मुनि वशिष्ठ और गुरु माता को मारने का जो पाप हो वो पाप मुझे लगे, अगर मैंने कभी केकई से कहा हो कि मुझे अयोध्या की गद्दी दिला। रोने लगे भरत जी। मां बार बार शांत कर रही है, बेटा इसमें किसी का कोई दोष नहीं, इसमें ना तेरा दोष है ना केकई का दोष है, विधाता को जो मंजूर था वो हुआ। अब देख, तेरे पिता का शव रखा है और चल के अग्नि संस्कार कर। भरत जी ने अपने पिता का अग्नि संस्कार किया और जब अग्नि संस्कार होने लगा तो कौशल्या माता हट पड़ गई कि मुझे सती होना है। भरत जी कहने लगे, अगर कौशल्या मैया सती हो गई तो 14 साल के बाद राम लौटेंगे तो क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैं प्रभु को। चरण पकड़ लिए कौशल्या मां के भरत ने, मां देखो तुम सती हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम सती होगी तो तुम्हारे साथ में सुमित्रा माता भी सती होंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम दोनों के साथ में अगर केकई सती हो गई तो सोचो, जिस केकई ने मेरे पिता को यहां चैन से नहीं रहने दिया तो वो पति लोक जाकर के मेरे पिता को चैन से रहने देगी। और सबसे बड़ी बात कहूं मां, अगर तैने कौशल्या मैया ये हट त्याग दिया सती होने का तो मैं तुझे वचन देता हूं, मैं जल्दी ही तुझे राम का दर्शन कराऊंगा, मैं जल्दी तुझे राम से मिलाऊंगा। राम दर्शन की आस जगी तो कौशल्या मैया ने सती होने का विचार त्याग दिया। महाराज का अग्नि संस्कार हुआ और सभा जुड़ी है अयोध्या वासियों की, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं, अयोध्या की प्रजा बैठी है
और मुनि वशिष्ठ के चरणों में बैठे हैं भरत जी। और यहाँ भरत जी ने बड़ा, माने कि मुनि वशिष्ठ ने भरत जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। अच्छा देखो, ये ज्ञान की चर्चा है ना, थोड़ी अटपटी है, आप माताएं ध्यान से सुनेंगी तो एक एक बात समझ में आएगी। देखो, कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है कि आप थोड़े से नाच लिए या थोड़े से हंस लिए, वही कथा नहीं है। कथा में आए हैं तो कुछ शिक्षा लेकर के भी हम जाएंगे। तो बड़ा सुंदर ज्ञान मुनि वशिष्ठ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल तिलक कहउ मुनि नाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हार। भरत, भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया लेकिन छह वस्तु विधाता ने अपने हाथ में रखी। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीना, मरना, यश और अपयश। ये छह भगवान ने अपने हाथ में रखी। और तुम अफसोस कर रहे हो पिताजी के मरने का? तो यहां 12 ऐसे नाम गिनाए हैं मुनि वशिष्ठ ने कि जो अफसोस करने लायक है। कौन कौन? बड़े ध्यान से सुनना। मुनि वशिष्ठ कह रहे हैं कि हे भरत, वो ब्राह्मण सोच करने लायक है जो वेद पाठ छोड़ करके, संध्या छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके विषय भोगों में लग जाए, वो अफसोस करने लायक है। वो क्षत्रिय अफसोस करने लायक है जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम ना करता हो। वो वणिक, वो वैश्य अफसोस करने लायक है जो धनवान होते हुए भी दान धर्म सत्कर्म में कंजूसी करता हो। वो सेवक सोच करने लायक है जो ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो। वो गृहस्थी सोच करने लायक है जो तीन ऋणों को कभी चुका ना पाता हो। हम जितने भी बैठे हैं ना, हम सबके जन्म के साथ हम तीन कर्जों के कर्जदार हो जाते हैं। तीन ऋण हमारी खोपड़ी पे होते हैं, शास्त्र कहते हैं। कौन कौन से? पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। ये तीनों ऋण हमें जीवन में चुकाने ही चाहिए। देव ऋण कैसे चुकाओगे? सत्कर्म करना, पूजा पाठ कराना, कथा सुनना, कथा सुनवाना। देखो, इस राम कथा आयोजन समिति के जितने सदस्य हैं, हमारे श्री प्रभुदयाल शिवहरे तो हैं ही हैं, और भी जितने लोग जिनसे मैं परिचित नहीं हूं वो सब, अथवा जिन्होंने इस राम कथा में एक रुपया का भी दान किया हो, बंधुओं, ये पुराण भगवान कहते हैं, पुराणों में ये बात लिखी है कि ऐसे दान और सत्कर्म जो व्यक्ति करे उसके पूर्वजों को वहां स्वर्ग में बिला करके देवता उनको माला पहना करके उनका सम्मान करते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो भगवान के सत्कार में दान करे, तन से, मन से या धन से किसी भी प्रकार का सहयोग करे, उनके पूर्वजों का देवता सम्मान करते हैं। तो ये देव ऋण इस प्रकार से चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषियों ने शोध करके जिन ग्रंथों, जिन पुराणों को लिखा है, जिनकी रचना की है, उनका अध्ययन करना, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना, अथवा उन पुराणों का विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों को दान करना। इस क्रिया से, ऐसा करने से हम ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। और तीसरा ऋण है भैया पितृ ऋण। जीवन में जितनी परेशानी शुरू से लेकर के अंत तक,
वो केवल और केवल एक पितृ ऋण के पितृ दोष के कारण ही होते। व्यापार में हानि होना, अकाल मृत्यु घर में हो जाना, घर में रोग हमेशा बना रहना, कोर्ट कचहरी होना, लड़ाई झगड़ा होना, घर में अशांति रहना, ये सब के सब पितृ दोष के ही लक्षण है। तो समय समय पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, पितरों के निमित्त पूजा कराना, अर्चना करना, ये सब पितृ ऋण से उऋण होने के कार्य है। तो कह रहे हैं मुनि वशिष्ठ के जो गृहस्थी अपने इन तीन ऋणों से उऋण ना हो पाए वो अफसोस करने लगे। जो स्त्री, जो महिला अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हो, हमेशा पति से बुरा बोलती हो, पति की बात कभी नहीं मानती हो, पति को उत्तर देती हो, ऐसी स्त्री सोच करने लायक है। वो चेला सोच करने लायक है जो गुरु को उल्टा जवाब देता, गुरु आज्ञा का पालन ना करता हो। वो सन्यासी सोच करने लायक है जिसने कपड़े तो सन्यासी के पहन लिए लेकिन मन में लोभ मोह मत्सर भरा हुआ है। वो वानप्रस्थी सोच करने लायक है जो तपस्या छोड़ करके भोगों में लगा हुआ है। वो विद्यार्थी सोच करने लायक है जो विद्या को छोड़ करके और संसार की बातों में लगा हुआ है। सबसे अंत में कहा कि भरत, वो आदमी तो सब प्रकार से सोच करने लायक है जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी राम के चरणों का ध्यान नहीं करता, जो राम जी का भजन नहीं करता, वो आदमी तो सब प्रकार से अफसोस करने लायक है। लेकिन तेरे पिता अफसोस करने लायक नहीं, तो मत रो। और देखो ये सारी भूमिका किस लिए बना रहे हैं? ये सारी भूमिका वशिष्ठ जी ने केवल एक वाक्य कहने के लिए बनाई, अफसोस मत करो भरत, तुम्हारे पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए राम वन में चले गए। अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके उन पिताजी का दूसरा वचन भी तुम पूरा कर दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। कौशल्या मां बोली, भरत गुरु आज्ञा का पालन करो बेटा, अयोध्या की प्रजा अनाथ है, राजा बनकर के उसे सनाथ कर दो। जब कौशल्या मां ने ये बात कही तो भरत जी दोबारा से फूट फूट के रो पड़े। मां, तुम राम की मां हो ना, केवल राम की मां ऐसी बात कह सकती है। एक बात आप सब लोग सोचे, आप मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं? अरे मैं कितना भाग्यहीन हूं, कितना दुर्भागी हूं, केवल ये चर्चा मात्र चली, मैं गद्दी पे नहीं बैठा, ये चर्चा चली कि भरत को गद्दी दी जाए तो क्या हुआ, मेरे भैया बन चले गए, मेरी भाभी बन में चली गई और मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। सोचो केवल राज गद्दी पर बैठने की बात चली, इतना हो गया, और कहीं अगर सचमुच मेरा जैसा पापी इस गद्दी पे बैठा तो क्या होगा, ये गद्दी सीधी पाताल में, रसातल में घुस जाएगी। गद्दी पर बैठकर के मुझे आनंद नहीं है, गद्दी पर बैठकर के मुझे सुख नहीं है, मुझे सुख तो केवल और केवल मेरे भैया की सेवा में है। लेकिन क्या बताऊं, वो सुख तो मेरी भाभी, मेरी कुटिल माता ने मुझसे छीन लिया। लेकिन गुरुजी एक बात कहूं, विश्वामित्र बोले, कहो। मैं आपसे आज्ञा नहीं मांग रहा गुरुदेव, मैं आपको बता रहा हूं, कल प्रातःकाल होते ही मैं तो राम दर्शन के लिए जा रहा हूं, राम जी के दर्शन को मैं जाऊंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि मेरे साथ चलो, और अगर किसी को चलना है तो मैं रोकूंगा भी नहीं। अब जैसे ही घोषणा करी भरत जी ने, तो जितनी भी अयोध्या की प्रजा थी भरत जी की जय जयकार करने लगी। भरत, तुम जैसा भाई संसार में होना बड़ा कठिन। बोलो जय सिया राम।
अब देखो यहां से ना भाइयों की कथा प्रारंभ हो रही है, दो भाइयों की। एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना, संसार में पत्नी दूसरी मिल जाती है, पुत्र भी दूसरा मिल जाता है, लेकिन अगर सहोदर भाई मर जाए ना, मां जाया भाई, तो वो दोबारा प्राप्त नहीं होता भैया, वो दोबारा नहीं मिलता। याद रखें, भाई भाई में तो बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, लेकिन जब शादी हो जाए ना, विवाह हो जाए, और घर में चार चार खानदान की अलग अलग दिमाग की अलग अलग बुद्धि की आ जाती है, वो क्लेश और झगड़ा करा देती है। चार भाई चार भाई एक साथ रहें तो लोग कहेंगे चौधरी, और पांच भाई एक साथ रहें तो लोग कहेंगे पंच, और पांचों अलग हो जाएं तो लोग कहेंगे बोले पंच तो थे लेकिन अब पंचर हो गए। ध्यान से समझना बंधुओं, कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी उसकी औकात नहीं कि वो पेड़ को काट दे, उस कुल्हाड़ी में जब तक वो लकड़ी का बेंत नहीं घुसाया जाएगा, बेंत नहीं लगाया जाएगा, वो काट नहीं सकती वृक्ष को। तो याद रखें, उसी प्रकार अगर भाइयों में एकता नहीं होगी, भाई इधर उधर रहेंगे, एक दूसरे के विरोध में रहेंगे, तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं। एकता में बड़ी शक्ति है, एकता में बड़ा बल है। जिनके भाई हैं जो बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुन लें, भाई है तब तक उसकी कदर नहीं है, और जिस दिन भाई छोड़ के चला जाएगा ना, तब आप लोगों को कदर होगी कि देखो भाई का साया हमारे सर से उठ गया। बोलो जय सियाराम। तो मेरे प्यारो, जिसके भाई हैं समझ लो संसार में बड़ा वो भाग्यवान है, बड़ा है चाहे छोटा है, अगर भाई है तो आप बड़े भाग्यवान हो, और अपने भाई को बड़ा संवार के बड़े प्रेम से रखो, बड़ा मिलजुल करके रहो। बोलो जय सियाराम। रामचरितमानस हमें यही शिक्षा दे रही है। देखो ना, एक भाई वन में गया तो दूसरा भाई कितना बिकल रहा है, रो रहा है। बड़ा भाई बन में तो छोटे भाई ने भी सुख को ठोकर मार दी, बोले मुझे नहीं चाहिए, और सीधा राम जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सारी प्रजा साथ में जा रही है। और थोड़ा सा मिलकर के एक भाव गाएं और फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे।